नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मंगलवार को जनसुनवाई में एक बेहद भावनात्मक नजारा सामने आया, जब एक महिला बिजली के अत्यधिक बिल के कारण कलेक्टर के सामने रोने लगी। छतरपुर शहर की रहने वाली महिला ईदुन्निशा अपना बिजली का बिल लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महिला का कहना था कि उसके परिवार में बीमार लोग हैं, भरण पोषण का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में बिजली विभाग उन्हें 1500 रुपये महीने का बिजली बिल भेज रहा है, जबकि उनका कनेक्शन 200 रुपये प्रति माह वाला है। सिलाई करके अपना घर चलाते, हमें दिक्कत पड़ जाएगी बहुत ज्यादा। चलो हम करवाते हैं, आप रो मत, बिल्कुल हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। 200 के करीब तो कुछ नहीं, उन्होंने बिजली विभाग वालों को दे दिया, बस उन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा क्या है? कह रहे दिखवा लेंगे मीटर, ऐसे 3 बार करवा चुके, दिखवा लेंगे मीटर। जो हमारे सामने वाली भाभी हैं इतनी खपत करती हैं, उनके 500-400 रुपए आ रहे हैं, तो हमारा तो कोई बात ही नहीं कि पैसे आ रहे हैं, या तो उनसे पैसे खा रहे हैं या फिर हमें परेशान करने की कोशिश। पहले कितना आता था? 200 रुपए आ रहे थे, 150-200 तो जी परेशान करने वाली बात हो जाती ना। या फिर हमारे प्रधानमंत्री ने परेशान किया है कि वो कह रहे कि माफ हो गया बिल, किसानों की बिला माफ हो, किसानों की माफ हो गया, हम किसान नहीं है, उसमें बिल माफ नहीं होने का। कितने में ला गया भैया? 1500 रुपए, हम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।